नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। पेपर लीक भारत के लिए बड़ी समस्या बन गई है। कई छात्रों की आर्थिक हालत ऐसी है कि उन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, फिर भी वो अपनी मंजिल पाने के लिए हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार है। लेकिन पेपर लीक ना उनको मंजिल तक पहुँचने दे रहा है और ना ही उनके सपनों को सच होने दे रहा है। इसकी वजह से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पिछले 7 वर्षों में ही देश भर में पेपर लीक के सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिनका असर करीब 2 करोड़ छात्रों पर पड़ा है। पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा राजस्थान से आ रहे हैं, लेकिन यूपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहां फरवरी में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17-18 फरवरी को पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई। 17 फरवरी को परीक्षा के दिन ही एक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालत ऐसी थी कि परीक्षा के दिन छात्रों को 50-50 रुपए में टेलीग्राम पर पेपर दिए गए, जिसके जवाब भी बिल्कुल सही लिखे हुए थे। भारी हंगामे और विरोध के बाद 26 फरवरी को सरकार ने ये परीक्षा रद्द कर दी। वहीं राजस्थान में वर्ष 2019 के बाद से हर वर्ष औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। इससे लगभग 40 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। राज्य में 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के लगभग 26 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 14 पिछले 4 सालों में ही दर्ज हुए हैं। राजस्थान पेपर लीक मामले में भारत का हॉट स्टेट बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पेपर लीक होने की बात स्कूली शिक्षा विभाग ने मानी थी। प्रदेश के भिंड और भोपाल में पेपर लीक को लेकर FIR दर्ज हुई। पेपर लीक में 3 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पेपर लीक से बुरा और कोई भी प्रभाव छात्रों पर नहीं हो सकता है। उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। छात्र अपने आप को असहाय समझने लगते हैं और अंत में गलत कदम उठाते हैं। पेपर लीक होना पूरे सिस्टम की नाकामी है। कुछ गलत लोग पूरे सिस्टम से खिलवाड़ करते हैं।